हेलो माय डियर फ्रेंड, माय फैमिली, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉयिंग योर लाइफ। वेलकम टू माय चैनल द सन टैरो 7777। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जिनसे आपकी शादी होगी, क्या आप उनसे मिल चुके हो या फिर अभी मिलना बाकी है? कोई न्यू पर्सन होंगे या अभी आपके करेंट पार्टनर हो सकते हैं या आपके एक्स हो सकते हैं। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि कौन होंगे वो पर्सन और क्या आप उनसे मिल चुके हो या नहीं। ठीक है, तो ये आज मैं पता करने वाली हूँ और आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज अपीयरेंस उनका कैसा होगा, फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, उनका नेम इनिशियल और उनका जैसे कि नेचर और लुक्स मैं चीट्स के थ्रू भी बताऊँगी, एंड यहाँ पे चांस यूज़ करके भी मैं आपको आपके मैरिज के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको आज मिलने वाले हैं इस रीडिंग में। साथ साथ मैं आपको लोकेशन भी बता दूँगी कौन से स्टेट, कौन से कंट्री के ये पर्सन हो सकते हैं, ताकि आपको पूरी तरह क्लियरिटी मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। और बहुत सारे नंबर आते हैं फ्रॉड के, तो नंबर को इग्नोर करना है क्योंकि मैं कोई भी नंबर नहीं देती हूँ। ठीक है, आप अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो इंस्टा और जीमेल से ही कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ये जो आपकी रीडिंग होगी टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडरलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी। मेल या फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, दिल खोल के आपको अपने इस रीडिंग को देखना है, चाहे आप लोग कोई भी हो। बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी कर सकती हैं। ओपन माइंडेड होकर आपको इस रीडिंग को देखना है। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊँगी पाइल सिलेक्शन कैसे करना है आप सभी को। ठीक है, आज मैंने क्रिस्टल एंड कार्ड्स रखे हैं, दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, पाइल वन के लिए ये ब्लैक क्रिस्टल है आपका। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि आप जो है अपना समय लेके कार्ड और क्रिस्टल को चूज़ कर पाओ। ठीक है, कार्ड है आपके लिए 10 of Pentacles, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है आपके लिए। एंड यहाँ पर है आपका ब्लू क्रिस्टल, आप देख सकते हो। एंड कार्ड है आपके लिए द लवर का। दोनों ही कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत मीनिंगफुल है। ठीक है, जिसमें कि एक अच्छे मैरिड लाइफ को, फैमिली को, प्यार को दर्शाया जा रहा है। तो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, आपको इंट्यूटिवली भगवान जीजस अल्लाह वाहे गुरु जिसे भी आप मानते हो उनका नाम लेके आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल वन, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल 10 of Pentacles कार्ड को सेलेक्ट किए होंगे या फिर आप अपने इस ब्लैक क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे। चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। तो आप देख सकते हो ये 10 of Pentacles आपके मैरिड लाइफ के लिए कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि चाहे आपकी शादी किसी से भी हो, आपका जो मैरिड लाइफ होने वाला है वो बहुत ज़्यादा खुशहाल होगा और सारे विशेस जो हैं आपके फुलफिल होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ खुश रहोगे, बल्कि आपका पूरा इन-लॉज, आपकी पूरी फैमिली, ठीक है, दोनों ही तरफ बहुत ज़्यादा खुशियाँ होंगी। ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे ना वो काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम देंगे, आपको समझेंगे। ऑलराइट, तो ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आपके लिए और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलना फैमिली की तरफ से भी, चाहे वो आपके लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। मैं आपको सब कुछ बताऊँगी कौन से मैरिज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले डायरेक्ट मैसेज मैं लूँगी एंजल्स के थ्रू कि क्या आप अब से इस पर्सन से मिल चुके हो या नहीं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, क्या मिल चुके हैं या नहीं मिल चुके हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से, प्लीज़ भगवान बताइए। देर इज समथिंग बेटर का कार्ड है, ओके। इसको भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगी, पहले मैं येस नो निकाल लेती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, मिल चुके हैं या नहीं मिल चुके हैं। येस, डेफिनेटली मिल चुके हैं। देखिए यहाँ पे दो मीनिंग आ रहे हैं, और पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड भी है, एंड सिचुएशन विल इम्प्रूव इन द नियर फ्यूचर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि शायद बहुत सारे लोग जो है रिलेशनशिप में हैं। ठीक है, और आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि शायद जिसके साथ मैं हूँ वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, उससे बेहतर मिल सकते हैं। ठीक है, ये भी एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो ना, शायद उनसे बहुत बेहतर पर्सन आपको मिल सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है एंजल्स के द्वारा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अगर आपके मन में ये चीज़ चलते रहता है कि आपके पर्सन लुक्स वाइज अच्छे नहीं है, इनमें वो कमी है, ये कमी है, तो ऐसा नहीं है। आप जो है आराम से अपने पर्सन के साथ इंजॉय करके शादी कर सकते हो, रह सकते हो, ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। देखिए, आप लोग जो है शादी करना चाहते हो, आपके पेरेंट्स जो है नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि शायद अभी सही समय नहीं है, नॉट द राइट टाइम, लेकिन हाँ आगे आने वाले टाइम में इन द नियर फ्यूचर का कार्ड भी आया है आपके लिए। तो इससे ये पता चल रहा है कि इन द नियर फ्यूचर आपका ये जो सपना है शादी करने का आपके पार्टनर से, वो डेफिनेटली पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पे यस का कार्ड है। जिससे आप शादी करने वाले हो वो पर्सन से आपकी ऑलरेडी मुलाकात हो चुकी है, आप इस पर्सन से मिल चुके हो। जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं उनके लिए 95% चांसेस है कि शायद आप अपने उस पार्टनर से मिल चुके हो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने एंजल से यही पूछा कि क्या आप इस पर्सन से मिल चुके हैं या नहीं मिल चुके हैं जिनसे आपकी शादी होगी, और एंजल्स ने यस का कार्ड दिया है आपके लिए। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मुझे तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों का जो रिलेशन है अभी, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में होना, अच्छा नहीं चल रहा है, टूट टूट कर चलता है, और आपके मन में ये ख्याल आता है कि शायद उससे भी बहुत अच्छे पर्सन मुझे मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई कार्मिक रिलेशन है, तो आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपका लाइफ अच्छा होना चाहिए, बस मैं यही चाहती हूँ। ठीक है, तो आप जो है सही डिसीजन पे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब इस रिश्ते से आगे बढ़ना चाहिए, तो आप बढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि शायद जिसके साथ आप हो उसके साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, जो कि काफ़ी जल्दी क्लियर होगी और आप दोनों का रिश्ता काफ़ी अच्छा हो जाएगा, पीसफुल रिजोल्यूशन होगा। ठीक है, और उनसे शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप जिसके साथ भी शादी करना चाहते हो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, आपका सिचुएशन पहले क्या होगा, इम्प्रूव होगा, उनसे बातें होगी, कम्युनिकेट क्लियरली। कहा जा रहा है कि जिससे आप शादी करना चाहते हो, जो आपके पार्टनर है जिसके साथ आपका सेपरेशन हो गया है, सबसे पहले उनके साथ आपको ना बातें करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए क्लियरली। ठीक है, ताकि आप एक सही स्टेप ले पाओ लाइफ में। तो इन द नियर फ्यूचर जिससे आप शादी करना चाहते हो उनके साथ आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी हो रही है, लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, और पीसफुल रिजोल्यूशन मतलब सब कुछ ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है, और उनसे ही आपकी शादी होगी जिससे आप करना चाहते हो। अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो पेरेंट्स भी मानेंगे, ये भी है। तो मैं आपको ओवरऑल एनर्जी बताना चाहती हूँ कि कैसी होगी आपकी शादी और मैरिड लाइफ। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट होगा, बहुत ज़्यादा खुशियाँ होगी। ठीक है, और काफ़ी सक्सेसफुल होने वाला है आपका मैरिड लाइफ जिससे भी आप शादी करो। यहाँ पे 60% चांसेस लव मैरिज दिखाई दे रहे हैं, एंड 40% चांसेस अरेंज मैरिज भी दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद जो सिंगल्स हैं उनके तरफ ना कोई बहुत अच्छा रिश्ता आते हुए दिखाई दे रहा है, और काफ़ी जल्दी इन द नियर फ्यूचर, हो सकता है 1 महीने के अंदर या 1 वीक के अंदर ये रिश्ता आए और उनसे आपकी बात होते हुए दिखाई दे रही है। कम्युनिकेट, काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन हो रही है, उनके साथ बात हो रही है, मतलब ये चीज़ क्लियर है कि जिसके साथ अभी आपका रिश्ता लगने वाला है, आने वाला है आपके पास, उनके साथ आपका जो शादी मैरिड लाइफ होगा वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा और बहुत ज़्यादा पीसफुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो लव मैरिज करने वाले हैं उनको थोड़ा स्ट्रगल देखना पड़ सकता है, चाहे वो फैमिली को मनाना हो या आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना या बॉन्डिंग अच्छा करना, ये आप पे डिपेंड करता है। जब तक आप खुद अपना बॉन्डिंग अच्छा नहीं रखोगे तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो तो बिल्कुल ना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले आप अपने पर्सन के साथ बॉन्डिंग को अच्छा कीजिए अगर आप शादी करना चाहते हो, तो उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लाइए, डेवलपमेंट लाइए। ठीक है, डिस्कवरी कीजिए, अवेकनिंग लाइए, ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए अपने रिलेशन में, उसके बाद ही आपको अपने पेरेंट्स को भी बताने की ज़रूरत है, शादी के बारे में सोचने की ज़रूरत है। और जिनका जो सिंगल है, अरेंज मैरिज आते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, रिश्ता आते हुए दिखाई पड़ रहा है, उनका तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पीसफुल एंड सक्सेसफुल होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से आप ऑलरेडी मिल चुके हो, और यहाँ पे यस का भी कार्ड आया है, तो शायद आप, हो सकता है कि ऑनलाइन मिले हो,
जो भी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मेल या फीमेल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हो, फेसबुक इंस्टा पे भी मिले होंगे, और स्पेशली तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के जो साइट होते हैं जहाँ पे जोड़ियाँ बनती हैं, वहाँ पे आप इस पर्सन से मिले हो, ठीक है, और उनसे आपकी बातें अभी भी चल रही हैं, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ लेकिन 3-4 महीने, ठीक है, कुछ लोगों का हो सकता है कम चांसेस है लेकिन 1 साल 2 साल भी हो सकता है, वैसे 3-4 महीने, 1 वीक 2 वीक लग रहा है कि बात हुई है इनसे आपकी, और इनसे ही आपकी शादी होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिली होगी कि किस पर्सन से आपकी शादी होगी, कब तक होगी, तो कब तक होने में थोड़ा टाइम हो सकता है, क्योंकि स्पेशली उनके लिए जिनको अभी पहले तो खुद की बाउंडिंग अच्छी करनी है फिर मनाना है, तो लव मैरिज वालों के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। साथ साथ आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, और जो अरेंज मैरिज करने वाले हैं उनकी अच्छी उम्र है, शादी आप कर सकते हो और काफ़ी जल्दी होगी, 1 साल के अंदर ही होगी, 8 महीने के अंदर होगी, ठीक है, ये चीज़ है, बहुत सक्सेसफुल होगा। ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है ना उनके साथ बाउंडिंग कैसी रहेगी और उनका लुक्स कैसा होगा, वो होंगे कैसे, स्पेशली मैं आपको ये बताऊंगी। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, कैसे होंगे इनके फ्यूचर स्पाउस। वाह, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे तो मैं आपको पहले बता दूँ कि आपके जो पर्सन है उनका एज जो है 40, 32, 42 इस तरह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एज 30s में है तो उनका भी 30 में हो सकता है, अगर उनका 40s में है तो उनका भी, जैसे कि आपका 40s में है तो उनका भी 40s में हो सकता है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आपकी जो पर्सन होंगी या होंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी पढ़े लिखे, नॉलेजेबल, रिच होंगे, और जो इंसान रिच होता है वो खुद के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड करता है, ठीक है, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, समाज में अपना नाम और अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, पहचान को मेंटेन रखने के लिए, तो वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन होंगी ना काफ़ी ज़्यादा फेमस होंगी या फेमस हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा धनी होंगी, लुक्स वाइज भी बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी। शुरू से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे, फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनको ना पेट रखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि जहाँ जब भी मैं देख रही हूँ उनको बगल में पेट दिखाई दे रहे हैं, या तो कैट या तो डॉग, स्पेशली डॉग रखना उनको पसंद हो सकता है, ठीक है, और इनका फेवरेट कलर ब्राउन हो सकता है, पर्पल हो सकता है, रेड हो सकता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जब आपके लाइफ में इंटर करेंगे तो आपकी लाइफ जो है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कलरफुल होगी, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी लाइफ कलरफुल नहीं होगी, होगी, और बहुत ज़्यादा ये आपको सपोर्ट भी करेंगे, फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो जो भी रिश्ता आ रहा है या किसी से आपकी बातें चल रही हैं मैट्रिमोनियल साइट पे, तो मे बी वो थोड़ा बिजी रहते होंगे, काम करते होंगे या काम करती होंगी, ठीक है, और हमेशा वो आपको बताते होंगे, डिस्कस करते होंगे कि कैसे वो बिजी रहते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ओके, और ये जो है ना आपसे शादी भी करना चाहते हैं, अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा पर्सन है, आप उनके मन की बात को जानना चाहते हो, तो ऐसा लग रहा है कि इनके दिल में आपको लेकर बहुत सारे ड्रीम्स हैं और वो शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका जो मैरिड लाइफ होगा और जो पर्सन होंगे वो बहुत ज़्यादा सुपर होंगे, सुपर ऑसम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और जिस दिन शादी होगी वो भी एक अलग ही समा, बहुत अच्छा टाइम मुझे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। और आपकी जो पर्सन होंगी या होंगे वो फेयर हो सकते हैं, इनका फेवरेट कलर ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है, या इनके पास ब्लैक कैट होना, गोल्डन रिट्रीवर डॉग होना, इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। आपके जो पर्सन होंगे वो बहुत ही ज़्यादा गहरा सोचने वाले होंगे, और पर्सनालिटी की बात की जाए, जैसे कि फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए, तो ना मुझे ऐसा लग रहा है कि लुक्स वाइज तो बहुत अच्छे होने वाले हैं, जिम जाने वाली पर्सन दिखाई दे रही हैं, दे रहे हैं, ठीक है। साथ साथ इनका जो हेयर होगा ना वो गोल्डन होगा, काफ़ी सिल्की होगा इनका हेयर, ठीक है, इनको जो है कैप कह सकते हैं पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, तो इनकी पर्सनैलिटी हेड से टो तक बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, मतलब ऐसा कह सकते हैं एक किंग, एक शोल्डर, एक लीडर का जो पर्सनालिटी होता है, ठीक है, वैसी पर्सनालिटी दिखाई दे रही है। तो आपके जो पर्सन होने वाले हैं वो क्वीन और किंग से कम नहीं होंगे, ठीक है, और मे बी शादी के टाइम वो आपको डायमंड रिंग दे सकते हैं, ये भी चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ।
चाहे आप मेल देख रहे हो या फीमेल देख रहे हो, अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो और उनका फेवरेट कलर ब्राउन एंड ब्लैक हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये चीज़ है कि इस रिश्ते के बारे में और इस मैरिड लाइफ को लेकर ये पर्सन बहुत सोचेंगे, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, डीप थिंकिंग करने वाली ये पर्सन होंगे, ठीक है, रिस्क टेकर नहीं होंगे। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके सामने कोई प्रोजेक्ट आता है या फिर कोई चैलेंज आ रहा है, कोई काम करने वाले हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर सोचते होंगे, देन कोई स्टेप लेते होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्या होगा देखा जाएगा, वैसे रिस्क ले लेते हैं, तो ये उस तरह के नहीं हैं, ठीक है। ये हर एक चीज़ को समझते हैं, सोचते हैं, तो आप सोच सकते हो कि इस पर्सन के साथ आपका लाइफ कितना हर एक चीज़ जो है सही तरीके से होगा, परफेक्ट होगा और बहुत ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। ब्यूटीफुल कहने का ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा पीसफुल होगा, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो खुद ही बहुत ज़्यादा पीसफुल दिखाई दे रहे हैं, शांत दिखाई दे रहे हैं, और इसी वजह से आपका जो लाइफ होगा मैरिड लाइफ वो भी काफ़ी ज़्यादा हारमोनियस होगा। तो नेचर और नेचर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, रिलेशन पे भी। ओके, सो इससे ये पता चल रहा है कि आपके जो पर्सन हैं शांत स्वभाव के हैं और उसी तरीके से आपका शांत शांति भरा मैरिड लाइफ भी होगा। ड्यू टू रोमांस का कार्ड है, दैट्स ग्रेट। आपके जो पर्सन है उनका एज 33 भी हो सकता है, मतलब 30 से लेके 28 से लेके या 25 से लेके जो है आप ऊपर तक जा सकते हो, ठीक है। ड्यू टू रोमांस तो ये बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा रोमांटिकली एंड पैशनेटली एंथुजियास्टिकली आपसे प्यार करेंगे, और शादी के जस्ट बाद बहुत सारे लोग हनीमून के लिए भी जा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है, और जहाँ पे जाओगे वो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस होगा, ठीक है। और ठंड के टाइम में शादी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा है कि जब आप डोर खोलोगे तो बहुत बाहरी बाहर का जो समा होगा, माहौल होगा, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा, तो उस तरह के नेचुरल प्लेस पे आपको लेकर जाएंगे। साथ साथ ये भी चांसेस है जहाँ पे आप शादी होकर जाओगे इन लॉस के बीच में, और आपका जो यहाँ घर होगा आपके पर्सन का वो बहुत अच्छे नेचुरल प्लेस पे होगा, जैसे कि डोर खोलते ही साथ लेक होंगे, रिवर होंगे, ठीक है, सुबह जब उठोगे तो फॉग रहेगा, ये सब देखकर आपका जो मन है ना वो हमेशा ही पीसफुल और शांति भरा रहेगा, ठीक है। और रोमांस अबंडेंस, मतलब कि रोमांस में और एक मैरिड लाइफ में कभी भी प्यार की कमी, रोमांस की कमी नहीं होगी, ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। सो रेड रेड जो है दिखाता है प्यार को दिखाता है, साथ साथ प्यार का प्रतीक है, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन होंगे इनको रोज़ेस भी बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, ठीक है, इनको गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, चांसेस है कि ये आपको बहुत सारे सरप्राइजेस देंगे, बहुत सारे गिफ्ट्स भी देंगे, ये भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ, ठीक है। तो डोर टू रोमांस भी बहुत ब्यूटीफुल कार्ड को दिखा रहा है, इससे इनका ये पता चल रहा है कि ये जो पर्सनैलिटी वाइज जो है बहुत ब्यूटीफुल तो होंगे ही, ठीक है। रेड कलर इनको बहुत पसंद होगा, ब्राउन और ब्लैक पर्पल भी पसंद होगा, साथ साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे। मैन होल्डिंग का हार्ट, देखिए मैन होल्डिंग का हार्ट आपको मैं शुरू से ही बता रही थी, ये जो पर्सन है शायद आपको ऑनलाइन मिले हो, मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हो, बहुत बिजी रहने के बाद भी आपको ना आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। और इनका जो दिल है, दिमाग है, वो बिल्कुल आपके पास रहेगा, मतलब आपके बारे में ही सोचते रहेंगे, ये एनर्जी मैं यहाँ पर नोटिस कर पा रही हूँ, ठीक है। और हर जगह मैं देख रही हूँ कि इनको ब्राउन बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, ठीक है। तो चांसेस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपके जो पर्सन है वो पूरे दिल से आपको चाहेंगे, ठीक है। हो सकता है कि पहले कभी रिलेशनशिप में रहे हो, या आप सेकेंड थर्ड मैरिज वाले देख रहे हैं, तो इनका भी मैरिज हुआ हो, डाइवोर्स हो गया हो, जिस तरह से आपका हुआ है। कहने का ये मतलब है कि पहले जिसके साथ रिलेशनशिप में रहे वैसा कभी इनको अच्छा या फिर बहुत ज़्यादा सुपर फील होना मैं नहीं नोटिस कर पा रही हूँ, इनको कभी बहुत अच्छा फील नहीं हुआ होगा रिलेशन में जितना आपके साथ फील होगा, ठीक है। कुछ बहुत यूनिक, बहुत इनक्रेडिबल सा आपके साथ फील होने वाला है, ठीक है। और अगर आपके पर्सन थोड़े बहुत फ्लर्टी भी होंगे तो आपको देख कर सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर नज़र टिक जाएगी और आपके अलावा किसी और को नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ कि आपसे जो है ना इनको ट्रू लव होगा, एक स्पिरिचुअल लव होगा, एंड यस आपका जो कनेक्शन है इनके साथ एक सोलमेट का कनेक्शन है, ठीक है, मतलब कि जिनसे आपकी शादी
होगी, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपके सोलमेट ही होंगे, ठीक है। और सोलमेट आप रिलेशन जानते ही हो, बहुत पीसफुल होता है, बहुत ज़्यादा हारमोनियस होता है और बैलेंस्ड भी होता है, ठीक है। तो जैसे आप पर्सन चाहते हो दिखाई दे रहा है कि हाँ वैसे ही पर्सन मिलेंगे आपको, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। द थिंकिंग वुमेन, देखिए थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वुमेन दोनों ही कार्ड आ गया है। यहाँ से एक चीज़ पता चल रहा है कि आपकी जो मेल पार्टनर होंगी, फीमेल पार्टनर, ठीक है, या फिर आप फीमेल देख रही हो तो मेल जो पार्टनर होंगे, दोनों ही बहुत ज़्यादा सोचने वाले होंगे और काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते होंगे। पढ़ाई लिखाई कहने का मतलब है अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले पर्सन होंगे, गोल ओरिएंटेड पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, जब भी आप इनसे बातें करोगे या फिर शादी के बाद, आप देखोगे कि इनके पास हमेशा इनके फेवरेट बुक्स हो गए या नोवेल पढ़ना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे है और हमेशा ही एक प्रिंसेस की तरह, एक प्रिंस की तरह ये ड्रेसअप करेंगे, ठीक है। ये जो है ना, अपने लुक्स से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं है, तो लुक्स पे काफ़ी ज़्यादा ये फोकस करते होंगे और लुक्स के लिए बहुत कुछ करेंगे। मतलब मैंने आपको शुरू से ही बताया कि बहुत ज़्यादा जिम करना या फिर एक्सरसाइज करना और डाइट मेंटेन करना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है डोर टू वैल्यू, मतलब कि आप दोनों के बीच में जो भी पैसे की बात है, जो भी फाइनेंशियल बात की जाए, तो वो कभी कमी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा धन दौलत होगा और बिल्कुल वाइट मनी होगी, ठीक है। मतलब इनकम, इनके मेहनत का पैसा होगा। और इस तरह से यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जब आपके लाइफ में इंटर करेंगे तो मे बी आप भी बहुत ज़्यादा, आपको फाइनेंशली गेन हो, ठीक है, आप भी बहुत रिच हो जाओ। मतलब कहने का ये है कि आप खुद मेहनत करके अपने पैसे वगैरह कमाने लगोगे, तो ये आपके लिए बहुत लकी भी साबित हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी दिखाई पड़ रहा है। तो अगर बात की जाए, अगर आप छोटे से छोटे चीज़ जो भी आपकी ज़रूरत होती है वो सारी ज़रूरत जो है ये पर्सन आपकी पूरा करेंगे, या फिर कभी भी आपको बोलना नहीं पड़ेगा ये ले आना चाहिए या वो ले आना चाहिए, यहाँ पे आपके जो पर्सन है पहले ही सब कुछ आपके सामने ला कर रख देंगे, या तो आपके पास उतने अवेलेबल रहेंगे मनी कि आप जो है कुछ भी खरीद लोगे, कुछ भी चाहोगे वो चीज़ ले लोगे। यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है, एंड यहाँ पे सुपर्ब कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो मैं आपको बता दूँ कि इस पर्सन के साथ ना आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मैं देख रही हूँ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो के ही रहेगा, ठीक है। अब आप कैसे सोच सकते हो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, पहले मैं आपको बता दूँ ये जो पार्टनर है आपके सोलमेट है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, वैसे बता रही हूँ कि जो पार्टनर है ना आपके, ये सोलमेट है। और जब सोलमेट आपसे मिलते हैं आपके, तो उनके साथ एक बहुत कंफर्टेबल रिलेशनशिप होता है, ऐसा सुपर आपको कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ होगा जितना इनके साथ फील होने वाला है, ठीक है। और वाइस वर्सा की एनर्जी है, इनको भी आपके साथ इतना ही बहुत ज़्यादा लगाव हो जाएगा और सुपर फील होगा क्योंकि आप दोनों सोलमेट हो, ठीक है। और साथ साथ बहुत सुपर कार्ड आया है, वो है डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। इससे ये पता चल रहा है कि आपके जो पर्सन है फर्स्ट ऑफ ऑल हीलर की तरह है आपकी लाइफ में, हो सकता है इनका प्रोफेशन डॉक्टर हो सकता है, ठीक है। और ये जो पर्सन है काउंसलर हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ काउंसलर, साथ साथ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मेडिकल फील्ड से हो, ठीक है, लॉ के फील्ड से भी होने के चांसेस हैं, और आर्मी के हो सकते हैं, ये भी है। सो मैं आपको बताना चाह रही हूँ डोर टू पर्सनल हीलिंग मतलब आपके लाइफ के अभी जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो ना वैनिश हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका लाइफ जो है पर्सनल हीलिंग मतलब जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है वो हील हो जाएंगे और हैप्पीनेस भर भर कर होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप कदम रख रहे हो, शादी हो रही है, एक स्टेप ले रहे हो, देन आपकी तरफ एक बहुत स्पिरिचुअल सा दरवाज़ा, डोर खुलेगा, और वो जब डोर खुलेगा तो आप देखोगे वहाँ पे लोटस है, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल रेनबो है, मतलब कलरफुल होने वाला है आपका लाइफ बिल्कुल रेनबो की तरह, ठीक है। और चांसेस बहुत सारे लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन होंगे एनिमल लवर और नेचर लवर हो सकते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ शुरू से कि इनको पेट्स रखना है, जैसे कि डॉग, कैट, या फिर ये बर्ड्स भी रखते होंगे, ठीक है, ये भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। तो इन सारी चीज़ों में से कुछ ना कुछ तो ज़रूर रखते होंगे। साथ साथ जब ये आपके लाइफ में आएंगे शादी के बाद, देखिए लाइफ में जब आ रहे हैं तो चेंजेस तो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेजर चेंजेस
जब ये पर्सन आपसे शादी कर लेंगे उसके बाद ही होगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शादी के बाद इस पर्सन के साथ आप कहीं और भी शिफ्ट होने के चांसेस है। एंड हैप्पी फैमिली का कार्ड है, यहाँ भी हैप्पी फैमिली है एंड यहाँ भी हैप्पी फैमिली ही है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी लोग टेंशन में रहते हैं अपने इन लॉज को लेकर, कि इन लॉज अप्रिशिएट करेंगे या नहीं, तो डेफिनेटली इन लॉज भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। और चांसेस यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए हैं कि शायद आप इन लॉज के साथ रहो ही ना, ठीक है। और आपके बेबीज, दो बेबीज होने के भी चांसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और कार्ड्स में दो बार यहाँ पे रेनबो आ चुका है, तो ये डिनोट कर रहा है, ये बता रहा है कि डेफिनेटली आपका जो मैरिड लाइफ होगा वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होगा, ब्यूटीफुल होगा, ठीक है। हैप्पी फैमिली का कार्ड है, आप लोग देख सकते हो, इट मीन्स कि आपका जो लाइफ होने वाला है मैरिड लाइफ वो बहुत ब्यूटीफुल होगा। और जो भी इन लॉज के लोग होंगे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं, ठीक है। इन लॉज के लिए आया है वॉकिंग अवे, मतलब कि इन लॉज जो है या तो आपके घर से चले जाएंगे या फिर उनके घर को छोड़कर जो है आप कोई नए प्लेस पे शिफ्ट हो सकते हो, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। और इन लॉज के साथ आप ज़्यादा टाइम तक नहीं रहोगे। यहाँ अप्रिशिएशन का कार्ड है, इन लॉज जो है ना बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट आपको करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक लास्ट कार्ड है इन लॉज के लिए भी, वो है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो आपको आपकी जो मदर इन लॉ होंगी उनके साथ आपका अटैचमेंट बहुत अच्छा होगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक है जर्नी, इट मीन्स कि यस, इससे बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आप जो है थोड़े समय तक रहोगे अपने इन लॉज के साथ, और जब तक रहोगे बहुत इंजॉय करोगे, उसके बाद फिर जर्नी होगी, कहीं और चले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि इन लॉज के साथ भी कनेक्शन अच्छा है और आपके पार्टनर के साथ भी आपका कनेक्शन सुपर्ब है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, अब मैं आपको बताऊंगी चांस के थ्रू आपकी मैरिड लाइफ के लिए। बटरफ्लाई का कार्ड है, ओके। तो यहाँ पे बटरफ्लाई जो चांस है आपके लिए, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यस डेफिनेटली आपका जो लाइफ होगा बटरफ्लाई की तरह होगा, बहुत खूबसूरत होगा। और जैसे कि बटरफ्लाई इधर से उधर फ्लाई करते रहते हैं, तो वैसे भी आप लोग भी जो है ना बहुत ज़्यादा वर्ल्ड टूर करोगे, इन्जॉय करोगे, ठीक है। और क्या है, ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शादी के शायद 1 साल के अंदर ही एक बहुत क्यूट सी बेबी जो है आपके पास होंगी या होंगे, ठीक है। ऑलराइट, और क्या है, ग्रोथ, यस, आप दोनों का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होने वाला है, ओके। एंड एक लास्ट मैं लूंगी चांस, वो है आपके लिए, वाओ दैट्स ग्रेट। इसके तो ये पता चल रहा है ना कि चाहे कुछ भी हो जाए आप दोनों के बीच में, आप लोग हमेशा ही कनेक्टेड रहोगे, हार्ट टू हार्ट, मतलब दिल से हमेशा ही कनेक्टेड रहोगे। और आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी यूनिटी भी रहेगी, ठीक है। और आपके जो पर्सन है उनको म्यूज़िक सुनना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, ये इनकी हॉबी हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है, एफ हो सकता है इनका नेम इनिशियल, देन एम हो सकता है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, आप मैच कर सकते हो कि आप इस पर्सन को जानते हो या नहीं। वी, ठीक है, आर, जरूर बताइएगा। आप लोग अपने पार्टनर का नाम जरूर लिखिएगा नीचे कमेंट में। डी यहाँ पे है, ओ, देन यहाँ पे है आई, ए, बी, यू, जे, एंड एक लास्ट है वो है आपका सी, सी एंड जी, ओके। तो ये सारे नेम इनिशियल आपके फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं, अगर आपके पार्टनर है तो चांसेस हैं कि इनसे आपकी शादी होगी, ठीक है। ये जो पर्सन है कौन से स्टेट के होंगे मैं आपको ये बता देती हूँ, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओके, महाराष्ट्र, देन यहाँ पे है केरला, पंजाब, बिहार, झारखंड, कहाँ से हो सकते हैं फ्यूचर स्पाउस, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, आसाम, दो मैं लास्ट लूंगी वो है आपका हरियाणा एंड नागालैंड, ओके। सो होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, मैं आपको बता देती हूँ कौन से कंट्री के हो सकते हैं।
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स, कौन से कंट्री के हो सकते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, अफगानिस्तान, स्पेन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, डेनमार्क, कनाडा, इंडिया, दैट्स ग्रेट, फ्रांस, नेपाल, अर्जेंटीना, जर्मनी, ओके। एंड दो लास्ट में ले लेती हूँ आपके लिए, वो है आपका यूनाइटेड किंगडम एंड आइसलैंड। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज़ हैं। सो होप आपको क्लियरिटी मिली होगी। अब मैं आपको फाइनली बता देती हूँ कि इनका नेचर एंड लुक्स कैसा होगा, ठीक है, ताकि आप पहचान सको। सबसे पहले तो ये सेंसिटिव हो सकते हैं, ठीक है, एंड इनक्रेडिबल होंगे ये पर्सन, ओके। गोरे होंगे, फेयर होंगी या होंगे, ठीक है, फैब्यूलस, आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी होगी इस पर्सन की, एंजेलिक लुक होगा इस पर्सन का, एंड यहाँ पे लॉन्ग हेयर हो सकता है इस पर्सन का, ओके। बहुत अट्रैक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा आईफुल, पेल बिच, वाइड लिप्स, प्रैक्टिकल हो सकते हैं ये पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए। एंड देन यहाँ पे है एनिमल लवर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्यूटीफुल हार्टेड पर्सन होंगे। देन यहाँ पे क्लेवर होंगे ये पर्सन, बहुत ज़्यादा चलाक होंगे, शार्प माइंडेड होंगे, फेयर फिर से आया है, फेयर हो सकते हैं ये पर्सन, एंड डिसिप्लिनड होंगे, ठीक है। कुछ मैं आपको और बता देती हूँ ताकि आप पहले से रेडी रहो, ग्रे हेयर, देन यहाँ पे टॉल नोज है, यहाँ पे है आपके लिए मीडियम ब्यूल्ड, एंड जेंटल पर्सन होने वाले हैं ये। उसके बाद होंगे मार्वलस, डाउन टू अर्थ, और आपके लिए है यहाँ पे फुल लिप्स, ऑलराइट। दो लास्ट है, वो है आपका आलमंड आईज एंड क्रूक्ड लिप्स। तो ये सारे नेचर एंड लुक्स के लिए आए हैं। होप आपको क्लियरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं और आप उनसे मिल चुके हो या नहीं, ठीक है। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरे फैमिली का भी। देखते हैं पाइल टू के लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। हेलो पाइल टू, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल क्रिस्टल को सेलेक्ट किए होंगे या फिर आप अपने द लवर कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, ठीक है। तो ये जो कार्ड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और ये तो बहुत सारे लोगों के लिए बता रहा है। 60% लोगों के लिए चांसेस है कि आपकी जो शादी होगी वो आपके पार्टनर से होगी, ठीक है। हो सकता है रिलेशनशिप बाद में बने, आगे आके बने, ठीक है, एक साल बाद, दो साल बाद बने, लेकिन आपकी शादी जो है आपके पार्टनर से, मतलब कि आपके लव पार्टनर से होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। जिसके साथ आप रिलेशनशिप में रहोगे, लंबी बाउंडिंग चलेगी, अच्छी बाउंडिंग चलेगी, उसके बाद ही उस पर्सन से आपकी शादी होगी, ठीक है, और लव मैरिज होगी। ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है 60% लोगों के लिए पहले कार्ड के थ्रू। तो इतना अच्छा मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एज वाइज जो है आपसे 1-2 साल या 3 साल ही बड़े हो सकते हैं या फिर इक्वल एज के हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे थोड़ी कम उम्र की हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले डायरेक्टली एंजल से बताऊँगी कि क्या आप इस पर्सन से मिल चुके हो या नहीं, यस नो में आंसर मैं लेती हूँ, ठीक है। मैं आपको लुक्स भी बताऊँगी, अपीयरेंस बताऊँगी, कहाँ के हो सकते हैं, सब कुछ पॉजिटिव रहना आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कम्युनिकेट क्लियरली, ओके। सबसे पहला कार्ड आया है कम्युनिकेट क्लियरली, देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए देयर समथिंग बेटर का भी कार्ड आया है, ऑलराइट। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, इन द नियर फ्यूचर गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों के जो बीच, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, शायद उनके साथ आपका कम्युनिकेशन या बातचीत अभी टूटा हुआ है या सेपरेशन हो रखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आप दोनों की बाउंडिंग अच्छी होगी, देन आपको ना जिससे भी आप शादी करने वाले हो या फिर आप मैट्रिमोनियल साइट पर मिले हो उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। अगर आप 1-2 महीने रिलेशनशिप में आके सोच रहे हो कि उनसे ही आपको शादी करनी है तो ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो कम से कम
आपको 6 महीने या फिर 8 महीने तक टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, उसके बाद ही आपको रिलेशनशिप में या फिर शादी करनी है। ठीक है, रिलेशनशिप में तो हो ही ऑलरेडी, लेकिन शादी की बात अगर की जाए तो आपको थोड़ा सा ठहर के करना है, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो आपको शादी के लिए इन द नियर फ्यूचर प्रपोज करने वाले हैं, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। और जब आपको प्रपोज करेंगे तो उस वक्त आपको थोड़ा सा टाइम मांगना है उनसे। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उनको ऑलरेडी जान चुके हो, समझ चुके हो, आप शादी कर लेनी चाहिए, तो आप कर सकते हो। लेकिन एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा रुक कर, ठहर कर इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड है जिसके थ्रू एंजल्स यही बता रहे हैं, जैसे कि एंजल्स दिखाई दे रहा है कि कोई बड़े बुजुर्ग की तरह आपके पास आए हैं, आपके पेरेंट्स की तरह, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर की तरह, और आपको वो समझा रहे हैं कि बेटा या बेटी अभी थोड़ा सा वेट कर लो, देख लो कि ये जो पर्सन है कैसे है नेचर वाइज, इनके बैकग्राउंड के बारे में जान लो, स्पेशली जो ऑनलाइन मिल रहे हैं मैट्रिमोनियल साइट पे या फिर कहीं भी शादी डॉट कॉम जो भी है। ठीक है, बहुत सारे लोग तो मिल चुके हैं, बातें चल रही हैं, तो पहले ना आपको उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना है कि वो जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कार्मिक भी आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, और शायद जिसके साथ आप डील कर रहे हो उनसे भी बहुत बेहतर पर्सन आपको मिलने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर, जो चीज़ अभी आप सोच रहे हो, जो चीज़ को लेकर आप बैठ चुके हो कि मुझे इससे ही शादी करनी है, और 1-2 महीने हुए हैं, 2-3 महीने ही हुए हैं, तो अभी आपको ठहरने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद इनसे भी कोई बहुत अच्छे पर्सन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इनका जो असली रूप है वो आपको सामने देखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये अच्छे नहीं है, लेकिन कहा यहाँ पे ये जा रहा है कि मे भी शायद इससे भी बहुत बेहतर पर्सन आपको मिलने वाले हैं, और शायद इनके साथ आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है। कुछ लोगों का तो रिलेशनशिप अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, सेपरेशन दिखाई दे रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट्स दिखाई दे रहे हैं, एनजाइटी डिप्रेशन दिखाई दे रहा है। तो अगर आप सोचो, एक बार सोच के देखो कि अभी से यह हाल है तो मैरिड लाइफ में क्या होगा, जब आप दोनों साथ में रहोगे तो वो पर्सन जो है बोर हो सकते हैं या फिर आप भी बोर फील कर सकते हो। तो एंजल्स जो यहाँ मुझे भेजे हैं ना इस रीडिंग को बनाने के लिए, इससे मुझे यही दिखाई दे रहा है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना था कि अगर आप बहुत जल्दबाजी में हो तो आपको नहीं करना है, क्योंकि शायद इनके साथ जो आपका कार्मिक रिलेशन है, बहुत सारे लोगों का कार्मिक दिखाई दे रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लव मैरिज नहीं होगा, कोई न्यू पार्टनर आएंगे, ठीक है, न्यू पर्सन इंटर करेंगे, उनके साथ रिलेशन अच्छा होगा, टाइम स्पेंड करोगे और उनसे लव मैरिज आपकी हो सकती है। बहुत सारे लोग जो है कार्मिक में हैं उनके साथ आपकी मैरिज नहीं होगी, थोड़ा सा मे भी आपको तकलीफ हो सकता है, लेकिन आपको ना, आपको मैं बचाना चाहती हूँ। ठीक है, और आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जियो, एक बहुत सक्सेसफुल मैरिड लाइफ आपको मिले, इसलिए एंजल्स और मैं आपको गाइड यहाँ पे अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन है सक्सेस, सक्सेस का कार्ड ये बताता है कि जिनसे भी आपकी शादी होगी, जो भी न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर करेंगे, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप बिल्डअप होगा, उसके साथ आपकी जो मैरिड लाइफ होगी वो बहुत सक्सेसफुल होगी। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। सबसे पहले यहाँ पे कार्ड है डोंट स्टॉप, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी रिलेशनशिप आप रहिए कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश अपने तरफ से पूरा आपको 100% देना है। ठीक है, वाओ, रिकवरी का कार्ड है, रिकवरी का कार्ड ये बता रहा है कि आपको ना डोंट स्टॉप, मतलब कि आपको अपने 100% देने हैं इस रिलेशन में। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप रिकवर हो जाए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी ख़त्म हो जाए और उनसे शादी हो सकती है, बहुत सारे लोगों के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो सकती है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपका शादी जो है आपके ट्विन फ्लेम से भी हो सकता है, हो सकता है जिसके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हो, जो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, सेपरेशन होते रहता है, तो वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 80% चांसेस कार्मिक है, लेकिन 20% लोगों के लिए ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो ट्विन फ्लेम जो जर्नी होती है काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, दुख होती है, तकलीफ होती है, लेकिन जब आप दोनों मेच्योर हो जाते हो तो आप लोगों की शादी भी होती है और आप लोग एक भी हो जाते हो, तो वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। रिकवरी का कार्ड आके आपको ये चीज़ क्लियरली बता दिया कि जिससे आपकी शादी होगी या फिर जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस पे मेहनत करते हो, वर्कआउट करते हो उस रिलेशन पे, तो यस,
आपका इस ये जो रिलेशन है वो अच्छा हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, और उस रिलेशन पे भगवान का, ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु का आशीर्वाद भी होगा, ठीक है, एंजल्स का आशीर्वाद होगा, प्रोटेक्टेड रहेगा आर्क एंजल माइकल के द्वारा आपका रिलेशनशिप, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? एंड यहाँ पे यस का भी कार आ चुका है, इट मीन्स कि यस, अगर आपको ऐसा फील होता है कि जिसके साथ आप डील कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, वो आपके ट्विन फ्लेम है, तो यस, उनसे आपकी शादी हो सकती है। एंड बहुत सारे लोग, हाँ, आप जानते हो उस पर्सन को, यहाँ पे एंजल भी बताना चाह रहे हैं कि अगर आपके पर्सन फायर है तो आप जो है वाटर हो, अगर आप जो है फायर हो तो आपके पर्सन वाटर है, मतलब यिन यांग की एनर्जी यहाँ दिखाई पड़ रही है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। और जो ट्विन फ्लेम है वो जानते हैं, यस, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जानते हो, यहाँ पे यस का कार्ड आ चुका है, और उनसे ही आपकी शादी होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपका बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, आपके पर्सन अब्यूसिव वर्ड यूज़ करते हैं, बहुत कुछ भी कह देते हैं, तो वो आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है, वो एक कार्मिक रिलेशन है। क्योंकि ट्विन फ्लेम में अगर अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं ना, तो एक लिमिट में होता है, ठीक है, वो आपको नीचा नहीं दिखाते हैं, वो रिस्पेक्ट भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, वैल्यू भी करते हैं, लेकिन कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ऑल राइट। और कोई बहुत ज़्यादा आपको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और कुछ भी कह दे रहे हैं, तो वो आपका कार्मिक है, मैं तो आपको कहूँगी कि आपको निकल जाना चाहिए उस रिलेशन से, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ट्रस्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी, चाहे आप दोनों के बीच में कितना ही झगड़ा क्यों नहीं होगा, आपके जो पर्सन होंगे वो आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, और आप जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करोगे। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है आप अपने पर्सन पर ट्रस्ट रखते हो, और आपको ऐसा लगता है कि हाँ वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकते, आप उनको ट्रस्ट वर्दी मानते हो, और आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा उनको ट्रस्ट है, तो आप समझ सकते हो कि वो आपकी ट्विन फ्लेम है, और उनसे ही आपकी शादी भी होगी। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लिए आई है कि जिनसे आपकी शादी होगी वो बहुत सक्सेसफुल भी होगा, और काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी जो है आपका मैरिड लाइफ भी होगा, मतलब रिलेशन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी होगा। नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जिससे प्यार करते हो, या आगे आने वाले टाइम में अगर आपका ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होता है, तो उनसे ही आपकी शादी भी होगी। एंड रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप पॉजिटिव रहते हो, मैनिफेस्ट करते हो कि मेरी ट्विन फ्लेम मुझे मिल जाए, तो आपको मिल भी जाएंगे, और उनसे आपकी शादी भी हो जाएगी। एंड फॉरगिवनेस, लाइफ में आपको जो है, जो भी बुरे पर्सन है या फिर पुराने पर्सन है जिसके साथ अभी कार्मिक रिलेशन में हो, उसको भूलकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अगर आप भूलोगे नहीं तो फिर रिवेंज लेने वाली बातें चलते रहेंगी आपके मन में, तो वो ना कहीं आपके लाइफ में प्रेजेंट रहेगा। इसलिए लाइफ में जब भी आगे बढ़ोगे, किसी भी पर्सन से शादी करोगे, तो पास्ट के लोगों को भूल के आगे बढ़ना है, फॉरगिव एनर्जी आपके अंदर लानी है, मतलब कि लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ने वाली एनर्जी आपको हमेशा रखनी चाहिए। पॉजिटिव रहिए, बहुत अच्छा होने वाला है आपका जो मैरिड लाइफ होगा ना, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भरा होगा। मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज कैसे होंगे, फिजिकल अपियरेंस मैं आपको बता दूँ, साथ साथ नेचर भी मैं आपको बताते चली जाऊँगी, और जो भी इन लॉस, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएंगे सब मैं बताऊँगी आपको। वाह, दैट्स ग्रेट, एस ऑफ पेंटिकल्स, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन है कोई न्यू पर्सन होंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स ये आपको बताता है कि आपके जो पर्सन होंगे वो बहुत ज़्यादा धनी होंगे, रिच होंगे, रिच होंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हो सकती है, ट्रेडिशनल थोड़ी कम दिखाई दे रही है, स्टाइलिश ज़्यादा होंगी, और बहुत मॉडर्न होंगी। उनका आँख का कलर जो है ना ग्रे हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, ये चीज़ आप मान लो, ठीक है, ब्लैक से या फिर ब्राउन से डिफरेंट हो सकता है, ऑल राइट। और जो पर्सन होंगे ना, ये आपको एक साल के ही अंदर मिल जाएंगे, और एक साल के अंदर शादी होने के चांसेस है, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स आपको ये भी बताता है कि आपकी जो पर्सन होंगी वो एक न्यू पर्सन होंगी, या न्यू पर्सन होंगे आपके लाइफ में इंटर करेंगे, ठीक है। इनको बर्ड्स रखना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ओके, ऑल राइट। और काफ़ी पावरफुल एनर्जी होगी, ये सिंपल पर्सन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी वाली पर्सन, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इनका जोड़ी एक साइन हो सकता है, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ काम करना, वर्क करना, मेहनत करना,
ज़रा सा भी पीछे नहीं हटेंगे, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी होंगे और होंगी। ठीक है, इनका खुद का अपना कंपनी हो सकता है, इनका खुद का अपना जॉब है जहाँ पे लोगों को जॉब देते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे पोजीशन पे भी ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और द वर्ल्ड, कुछ लोग बाहर भी, अब्रॉड भी आप अपने पर्सन से मिल सकते हो। ठीक है, और या फिर यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा बाहर घूम चुके हैं, वर्ल्ड टूर कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख चुके हैं, लाइफ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ठीक है, और इनका जो ड्रेसअप होगा, कपड़े पहनने का तरीका, वो एक क्वीन की तरह, एक किंग की तरह ही होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो वर्ल्ड कार्ड ये बता रहा है कि जिससे आपकी शादी होने वाली है उसके साथ आप खुद बहुत ज़्यादा घूमोगे, वर्ल्ड ट्रैवल करोगे, वर्ल्ड टूर करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है, द वर्ल्ड से ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि आप नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने वाले हो इस पर्सन के साथ। ठीक है, और दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, सब अच्छी चीज़ें आप इस पर्सन के साथ क्या करोगे, एक्सपीरियंस करोगे। और राइट, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, वाओ दैट्स ग्रेट। यहाँ पे कार्ड्स आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, द एम्प्रेस का कार्ड है। कुछ लोग जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 मंथ्स के अंदर इस पर्सन से मिल सकते हो। आपके जो पर्सन होंगे वो बिल्कुल एक रानी की तरह होंगी, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहती होंगी, या फिर आपके जो पर्सन होंगे वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। जो भी एम्पायर इन्होंने खड़ा किया होगा ये खुद इनका होगा। ठीक है, इनका फेवरेट कलर वाइट हो सकता है, सिल्वर कलर हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई पड़ रहा है। और राइट, तो थोड़ा सा एटीट्यूड या रुतबा दिखाई पड़ रहा है कि हो सकता है थोड़ा सा घमंड हो सकता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं हूँ, जो मैं हूँ वो कोई नहीं है। तो इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है आपके पर्सन के अंदर। ठीक है, और ये चीज़ हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत जो इनका घमंड है या फिर कुछ है तो वो आप तोड़ सकते हो, मतलब इनका जो दिल है वह आपके सामने पिघलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। और राइट, और क्या है इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ऐसे ही ट्विन फ्लेम थोड़ी हो आप लोग। ठीक है, ट्विन फ्लेम जो है काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, एंड यहाँ पे इस तरह की एनर्जी होती है। ठीक है, एक जो पर्सन होता है वो काफ़ी डोमिनेंट होता है और एक जो पर्सन है नॉर्मल सा, मतलब कि डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। तो आपकी जो पर्सन होंगी या होंगे डिवाइन मैस्कुलिन दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना। ठीक है, ऐसा नहीं कि लॉयल नहीं होंगे, लॉयल होंगे, फेथफुल होंगे। मैंने आपको बताया कि ये जो भी कमिटमेंट देंगे वो बहुत सॉलिड होगा और बहुत ट्रू होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी होगी। ठीक है, और राइट, द एम्परर, ओह माय गॉड, द एम्प्रेस का भी कार्ड आ चुका है एंड द एम्परर का भी कार्ड है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, द सन। और राइट, तो यहाँ पे 3 कार्ड मैं आपको अच्छे से बताना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन होंगे वो एक एम्परर होंगे। ठीक है, और आप जो है एक उनको एक परी जैसा, फेरी जैसा लगोगे। ठीक है, और बहुत सॉफ्ट हार्टेड लगोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप डिवाइन फेमिनिन हो सकते हो, तो आप सॉफ्ट हार्टेड होगे। इस वजह से आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नेचर में डिफरेंस है, इस वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। और आपके जो पर्सन है उनका जो दिल हार्ड होगा ना, वो पिघल जाएगा आपके सामने। ठीक है, और ये आपके लिए कुछ भी करेंगे, मन मिटेंगे, ये भी एनर्जी यहाँ दिखाई पड़ रही है। तो आपके जो पर्सन है वो आर्मी के हो सकते हैं, नेवी, एयरफोर्स के भी होने के चांसेस हैं। ठीक है, और जो भी है इनकी एनर्जी, जहाँ भी है, इनका खुद का बिजनेस भी हो सकता है, ये लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हो, एम्परर जैसे कि एक राजा होता है कि उसके अंडर में बहुत सारे क्या होते हैं, चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ को वो संभालता है। हो सकता है कि अपने फैमिली को भी संभालते हो। ठीक है, तो ये खुद को भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करते होंगे। इनकी पर्सनैलिटी अगर बात की जाए, बॉडी लुक्स वाइज बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्लीन रहते होंगे, और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है लुक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे। ठीक है, क्या देती होंगी, तो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ठीक है, और आपके जो पर्सन होंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम होंगे। ठीक है, मतलब जितना होना चाहिए अपने एज के अकॉर्डिंग, उस तरह से दिखाई दे रहा है कि फिट होंगे। ठीक है, द सन की एनर्जी है, मतलब ये जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस, खुशियाँ, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इनके प्रपोज करने का अंदाज़ भी बहुत डिफरेंट होगा। और राइट, हो सकता है कि पहले पहले ये आपको चोरी छुपे जो है गिफ्ट्स वगैरह भेजे, ठीक है, अपना नाम ना लिख कर भेजे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चलेगा। बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी है यहाँ पे।
ठीक है। इनके आने की वजह से आपका लाइफ पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, बाहर किसी कंट्री के भी ये पर्सन हो सकते हैं, फॉरेनर हो सकते हैं, ठीक है। जो भी हो, 10 of Pentacles से ये पता चल रहा है कि यस, आपका पूरा लाइफ इस पर्सन के साथ लॉन्ग लास्टिंग होगा और इन लॉज के साथ भी जो कनेक्शन है वो भी बहुत ब्यूटीफुल होगा। 10 of Pentacles आपको यही बताता है, हैप्पी फैमिली को दर्शाता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि इनके साथ हैप्पी फैमिली होगा और ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आने की वजह से इनका लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होगा, इनका नेचर भी बहुत ज़्यादा चेंज होगा, ठीक है। अगर ये हार्ड है ना तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे रुई की तरह, ओके। तो ये भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो आप समझ सकते हो कि इनका भी बहुत ज़्यादा, इनका नेचर, इनका जो भी लुक्स है, पर्सनैलिटी, इससे भी आपके लाइफ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है और आपके वजह से भी इनके लाइफ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके वजह से ना ये बहुत ज़्यादा चेंज होंगे, ठीक है। ये चीज़ है 10 of Pentacles, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, पैसे वैसे की कभी कमी नहीं होगी। एंड यहाँ पे है द स्टार की एनर्जी। आपके पर्सन ना मुझे ऐसा लग रहा है कि नेम फेम बहुत ज़्यादा कमाए होंगे या आगे आने वाले टाइम में आप जो है बहुत ज़्यादा नेम फेम कमा सकते हो, ठीक है। और इनके नज़र में ना आप एक बहुत क्यूट से पर्सन हो गए, ठीक है, बहुत शांत से पर्सन हो गए और यही नेचर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर जाएगा उनको, ठीक है। और ये हमेशा से चाहते होंगे कि मुझे कोई ऐसा ही पर्सन मिले जो मुझे समझे, सपोर्ट करे, प्यार करे। मे भी जो इनका एटीट्यूड है ये इसलिए इतना हो सकता है कि रूड हो गया होगा क्योंकि शायद पास के टाइम में प्यार नहीं मिला हो या फिर धोखा मिला हो। लेकिन जब आप इनको प्यार करोगे, समझोगे, सपोर्ट करोगे तो वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाएगा इनका हर्ट, ठीक है। ये आपके लिए रोएंगे भी, तो इस तरह की एनर्जी होगी आप दोनों के बीच में। स्टार की एनर्जी है ये आपको फेमस करने के लिए या फिर आपको आपके करियर के एडवांसमेंट में भी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये जो पर्सन है कंजर्वेटिव होंगे ही नहीं, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होंगे, स्टाइलिश होंगे, ठीक है। इसलिए आप जो भी चीज़ें अपने लाइफ में करना चाहोगे ये आपको सपोर्ट भी करेंगे और पूरी तरह मदद भी करेंगे, ठीक है। इस वजह से हो सकता है कि आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कपल कहलाओ और आप दोनों का जो ये शादी मैरिड लाइफ होगा वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए लोगों के बीच में, ठीक है। ये एनर्जी है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। यहाँ पे 4 of Pentacles, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स है पैसे धन दौलत को लेकर, तो ये जो पर्सन है ना अचानक से आपके लाइफ में आएंगे, हीरो की तरह या हीरोइन की तरह एंट्री करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एनर्जी है यहाँ पे। और क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, आप देख सकते हो कि आपकी जो पार्टनर होंगी या पार्टनर होंगे वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाले हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ना ज्वेलरीज वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि डायमंड वगैरह होना इनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये आपको महंगे महंगे प्रीसियस गिफ्ट भी क्या किया करेंगे, गिफ्ट करेंगे। प्रीसियस जो थिंग्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए गिफ्ट करना ये नहीं होता कि आपको अपना रुतबा बताएंगे, ऐसा नहीं है। आपको गिफ्ट इसलिए करेंगे कि वो अपने प्यार को इजहार कर सके, बता सके कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। 2 of Swords की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पास्ट के टाइम में छेले हैं, दिखा है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये जो पर्सन है आपसे प्यार बहुत करेंगे, आपके अलावा किसी और को नहीं सोचेंगे, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट के टाइम में रिलेशन रहा हो लेकिन इनका कोई मतलब नहीं रहेगा उन सारे लोगों से, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके होंगे और आपके ही रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 20% चांसेस ट्विन फ्लेम के हैं, तो यहाँ पे चांसेस बहुत सारे लोगों के लिए सोलमेट के लिए के भी आ रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, सिक्योर होने वाला है, स्टेबल होने वाला है। जिनकी ट्विन फ्लेम की जर्नी होगी उनको थोड़ा टाइम लग सकता है शादी में, ठीक है, क्योंकि जब तक आपकी डेवलपमेंट ना हो, आपके जो पर्सन आपको सपोर्ट ना करें, मिले ना, और रिलेशन जब तक बिल्ड ना हो कैसे होगा शादी, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई न्यू पर्सन से मिल सकते हो, उसके बाद आपकी शादी तो होगी ही आपके ट्विन फ्लेम से, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ रिश्ता भी आ रहा है, शादी का रिश्ता, आपके सोलमेट होंगे वो, जिसके साथ आपका जो रिलेशन होगा काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होगा,
स्टेबल होगा, हारमोनियस होगा, ठीक है, रोमांटिक भी होगा। मैं आपको चार्म्स के थ्रू बताती हूँ, प्लीज़ गॉड गिव मी अ क्यूरेट मैसेज। यहाँ पे चार्म्स है आपके लिए, ओके। तो यहाँ पे ये जो आपके लिए टॉटवाइज आया है, इसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है लाइफ में आगे बढ़ोगे, इस रिलेशन को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, लेकिन जब भी आगे बढ़ोगे जो भी स्टेप लोगे वो बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल होगा, ठीक है। तो आपकी जो बाउंडिंग है वो काफ़ी अच्छी होगी, धीरे धीरे होगी लेकिन बहुत स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, ये चीज़ है कि आप दोनों के बीच में कभी छोटी मोटी बातें भी होती है लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के बिना कभी नहीं रहोगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग हमेशा साथ रहोगे, ठीक है, यूनिटी होगी आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा या फूट डालने की भी कोशिश करेगा तो भी आप लोग कभी अलग नहीं होंगे, क्योंकि ये एक ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है और सोलमेट का कनेक्शन है, ठीक है। क्योंकि दोनों ही कनेक्शन सुपर्ब होता है, दोनों ही एक हायर फ्रिक्वेंसी की होती है, एक हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की होती है। ट्विन फ्लेम जो है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है, और सोलमेट जो होता है वो काफ़ी कम्फर्टेबल होता है और वो हायर फ्रिक्वेंसी की होती है। और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए यहाँ पे, ओके, दिस वन मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। देन यहाँ पे आपके लिए है बटरफ्लाई, ओके। सो मैसेजेस बहुत अच्छे आए हैं, काफ़ी कलरफुल मैं देख पा रही हूँ आपका मैरिड लाइफ। देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और भी है कि एंजल्स का आया है चांस, वाओ, मतलब आपके जो पर्सन है ना वो बिल्कुल एंजल की तरह है, ठीक है, और ये आपको बहुत ज़्यादा गाइड भी करेंगे, एक टीचर की तरह, एक पेरेंट्स की तरह भी ये पर्सन आपके साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी इनका नेम इनिशियल क्या हो सकता है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या हो सकता है इनके पार्टनर का नेम इनिशियल, MVE, आप मैच कर सकते हो अगर आप किसी के साथ हो तो, RFZUBAI, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, OJYX, यहाँ पे है आपके लिए W, एंड एक लास्ट है वो है आपका T, ठीक है। तो ये सारे नेम इनिशियल आपके फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं, कौन से स्टेट के होंगे ये, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए आया है वेस्ट बंगाल, देन यहाँ पे चंडीगढ़ भी है, एंड यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, ऑल राइट, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। महाराष्ट्र, ओके, केरला, मेघालय, बिहार, पंजाब, नागालैंड, हरियाणा, असम, गुजरात है आपका, मध्य प्रदेश भी है, एंड उड़ीसा भी है यहाँ पे। दो लास्ट मिलूंगी वो है आपका अंडमान एंड निकोबार एंड मिजोरम, ठीक है। स्टेट्स है, मैं आपको कंट्री बताऊंगी कौन से कंट्री के हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, कौन से कंट्री के होने वाले हैं। सबसे पहले तो कैनेडा आया है, डेनमार्क, ब्राज़ील, आइसलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ओके, जर्मनी, अर्जेंटीना, नेपाल, फ्रांस, इंडिया, ओके, USA, चाइना, एंड एक लास्ट है वो है आपका बेल्जियम, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर शादी के बाद इन सारे जगह पे भी शिफ्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। सो मैं आपको फाइनली बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो नेचर वाइज, लुक्स वाइज कैसे होंगे। सबसे पहले आया है मोस्ट ब्यूटीफुल होने वाले हैं आपके पर्सन, गॉर्जियस होंगे, एंड देन यहाँ पे है आपके लिए इन्फॉर्मेशन है सुपर ऑसम इमोशनल, ओके, हेजल आइज हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आँख का कलर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, वेल ब्यूल्ट एंड ऑलिव, मीडियम हाइट, ओके, एवरेज हाइट है, ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही हुआ, सेंसिटिव, रिग्रेटफुल, कभी भी कोई गलती करते हैं तो इनको बहुत अफसोस होगा,
ठीक है, दिल के बहुत अच्छे होंगे, ऐसा प्रिटेंड करेंगे मैं अच्छा नहीं हूँ, अच्छी नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। स्टनिंग जितना ये अपने आप को हार्ड दिखाने की कोशिश करेंगे, उतने ही ज़्यादा ये पर्सन सॉफ्ट होंगे, फेयर। ओके, देन यहाँ पे है लाइट ब्लॉन्ड हेयर कलर, ब्राउन हो सकता है हेयर कलर, पोलाइट होंगे ये पर्सन, इनकम्पेयरेबल, ठीक है, ऑल राइट, लवली। देन इंफॉर्मेशन है यहाँ पे लॉन्ग हेयर, कुछ लोगों के लिए विटिश कलर भी हो सकता है। देन यहाँ पे है आपके लिए ट्रस्टिंग एंड प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव होंगे आपके पर्सन, और स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड हेयर कलर, क्यूटी पाई। एंड यहाँ पे आपके लिए है ग्रे आईज, ठीक है, ग्रे आईज मैंने आपको पहले भी बताया, एंड ब्लैक हेयर, कुछ लास्ट में ले लेती हूँ। फिट होंगे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा, अम्यूजिंग, काइंड, एंड एक लास्ट है वो है आपका टॉल नोज। ओके, सो होप आपको क्लियरिटी मिली होगी। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो, कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सो चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।